करें नीलम लाइफस्टाइल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी स्वेटर की मेजरमेंट बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कैसे बनाई है मैंने ये स्वेटर। और इसका डिज़ाइन तो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए ऐसे ही नए नए डिज़ाइन देखने के लिए। फ्रेंड, मैंने न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्वेटर बनाई हुई है। ये मैंने यहाँ पर 10 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ही बनाई हुई हैं। ये यहाँ 5 लाइनें यहाँ पे दिखनी चाहिए, ये 10 लाइनें हैं। और ये डिज़ाइनर फंदे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, ये मैंने 65 फंदे डाले हुए हैं इस पर। और फिर ये 6-6 सिलाइयों का डिज़ाइन डाला हुआ है। ये डिज़ाइन मैंने शेयर कर चुकी हूँ मैं आपके साथ। और पूरी लेंथ इसकी 12 इंच है और 8.5 इंच तक मैंने इसका मुंडे की कटाई करी हुई है। मुंडे की कटाई पहले 3 फंदे कटाए हैं, फिर 1 कटाए, दोनों साइड से 3-3 और फिर 1-1। और ये जो मैंने बटन पट्टी बना रखी है, दोनों साइड से हमने आधा आधा करना है। आधा आधा करने के बाद हमने बीच में एक्स्ट्रा 5 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। इस साइड भी बराबर होने चाहिए और इस साइड भी बराबर होने चाहिए और बीच में हमने एक्स्ट्रा 5 फंदे एक्स्ट्रा रखने हैं। वो जो हमारे एक्स्ट्रा है 5 फंदे, वो उस पर हमने ये बटन होल बनाना है। और जो फिर 5 फंदे हमारे दूसरे हैं, वो नीचे से उठा के हमने ऐसे ऊपर तक बनाने हैं। और ये मैंने यहाँ पे 8 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं, 1, 2, 3, 4 और 9वीं सिलाई पे मैंने ये फंदे बंद कर दिए हैं। और जो यहाँ से यहाँ तक मैंने ये 14 फंदे उठाए हैं, 5 ये और ये बाकी बीच में से उठा के ये गला बनाया। और पीछे से जो भी फंदे बचे हुए हैं हमारे मुंडे जोड़ने के बाद, उनको जोड़ के ये 14 फंदे इस साइड के और 14 इस साइड के, और बीच में जो भी हमारे 10, 12, 14 फंदे बचे हुए हैं वो हम इकट्ठा करके ये गला बना लेंगे अपना। फिर ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने बाजू बना रखे हैं, दोनों बाजू में मेरी कंप्लीट है। अब मैं स्वेटर सिलूँगी। ये मैंने यहाँ पे 35 फंदे डाले हुए हैं। 35 फंदे बनाने के बाद फिर मैंने ये हर 5वीं सिलाई पे 1-1 फंदा बढ़ाया हुआ है। 5 इस साइड 5वीं सिलाई पे 1 इस साइड 1 इस साइड 1 इस साइड 1 इस साइड, दोनों साइड से मैं ये बढ़ाते हुए ऊपर तक हमने ये 19 फंदे बढ़ाए हुए हैं। और 19 फंदे बढ़ाने के बाद इसके बाद फिर 3 फंदे यहाँ से घटाए, 3 फंदे यहाँ से घटाए और 2, 2, 2, 2 ऐसे घटाते हुए लास्ट में 1-1 इस तरह से फंदे घटाते हुए जाएंगे हम। और ये बाजू हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ये देखिए फ्रेंड। और ये जितने मैंने यहाँ से मुड्ढे तक बनाई हुई है, उतनी ही हमारी लेंथ बाजू की होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 पट्टियाँ इसकी मैंने बनाई हुई हैं और 5 ही बाजू पे बनाई हुई हैं। इतनी ही लेंथ यहाँ पे रखनी है हमने, नहीं तो हमारी बाजू बड़ी हो जाएगी और उसकी शेप भी अजीब सी आएगी। जितनी हमारी ये लेंथ होती है, उतनी हमें ये बाजू रखनी पड़ती है। और इसके बाद यहाँ तक हमारी बाजू इसके बराबर हो जाती है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपनी 8 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा बनाई हुई है कि थोड़ी सी बाजू लंबी हो जाए। और देखिए फ्रेंड, ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए मैंने बूटीज भी बनाई हुई है। ये मैंने क्रोशिया से बनाए हुए हैं और ये सिलाइयों से ही बने हुए हैं। तो फ्रेंड, मैं ये बूटीज का डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक ही बूटीज बनाई हुई है मैंने, दूसरी मैं आपके साथ शेयर करूँ। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड।